हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कभी सोचा है 3 साल बिना लाइट के रहना? कभी सोचा है सेकंड क्लास में स्कूल का छूट जाना? कभी सोचा है कि किसी की लाइफ इतनी अच्छी दिख रही है लेकिन क्या वो सच में उतनी अच्छी है? कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या बकवास कर रही है ये। कितने लोगों के साथ होता है कि सेकंड क्लास में स्कूल छूट जाता है? कितने लोगों के साथ होता है? कोई एक अकेला तो नहीं है? नहीं तो है नहीं। लेकिन जब आप एक बहुत रिच फैमिली के बच्चे हो, 360 मेरे दादाजी 360 गांव के प्रधान, प्रधान इन द सेंस हरियाणा के 360 गांव के प्रधान थे मेरे दादाजी। बहुत रिच फैमिली, लाइक ना सुना होगा आप लोगों ने कि चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, तो मैं मानती हूँ कि मैं सोने की चम्मच लेके पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत रिच फैमिली से पैदा हुई। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा गलत हुआ कि मेरी मम्मी की एज थी 13। 13 साल की उम्र में मेरी मम्मी की शादी कर दी गई। 13 साल की उम्र में शादी, 14 साल की उम्र में बेटा, 15 साल की उम्र में एक बेटी हो गई और 16 साल 17 साल की उम्र में एक और बेटा हो गया। 3 बच्चे हो गए। खुद 16 साल की है वो और 16 साल की उम्र में 3 बच्चों को संभाल रही है। सब सोच रहे होंगे कोई नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। मेरी मम्मी की शादी हुई है 1997 में मेरी मम्मी की शादी हुई है। 1998 में मेरा भाई हो गया है। 1999 में मैं हो गई हूँ एंड 2002 में मेरा छोटा भाई हो गया है। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। 2005 में क्या होता है, 2005 में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। अब दादाजी की डेथ हो गई तो सबको बुरा लगा। लाइक मैं 5 साल की थी तब, 5 साल की उम्र में मैंने अपने दादाजी की बॉडी देखी और मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा था कि नहीं वहां नहीं जाना। लेकिन बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है तो मैं चली गई कि मैं तो देखूंगी। एंड दादाजी उठ नहीं रहे, मैं दादाजी उठो ना, दादाजी मेरे लिए रसगुल्ले नहीं लाए, ऐसे करके मैं उनसे बात करने लगी। फिर बाद में मुझे बताया गया कि नहीं रो, बट क्यों रो, मुझे तो रोना नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है। 5 साल की उम्र में मुझे नहीं पता था। चलो कोई नहीं, जैसे जैसे हुआ, उसके 2 दिन बाद मैं और मेरा छोटा भाई और बड़ा भाई सोच रहे दादाजी कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं, ये तो भगवान कहते हैं कि आए हो तो जाना भी पड़ेगा। फिर आता है 2006 में मैं अपनी मम्मी के साथ, लाइक मैं, मेरा भाई, दोनों भाई और मैं और मम्मी नानी के घर गए हुए थे और पापा का फोन आता है। पापा फोन पे ये कहते हैं कि घर आ जाओ, इतने दिन मायके में नहीं रहते, घर आ जाओ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, तो पापा ने हमें लेने के लिए गाड़ी भेज दी। हम गाड़ी में आ गए। उस दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी, हम लोग घर पहुंचे हैं और हमने देखा घर का तो ताला लगा हुआ है। लाइक घर का ताला क्यों लगा हुआ है यार? पापा ने बुलाया यार, इतनी तेज बारिश हो रही है, हम गाड़ी के अंदर है, हम कहाँ जाए, बारिश हो रही है। तो भैया थे बिट्टू भैया ने क्या किया, ताला तोड़ दिया कि बच्चे अंदर चले जाएंगे। तो ताला तोड़ के हम अंदर चले गए। मम्मी ने किया पापा को फोन कि कहाँ हो, ताला लगा हुआ है। लेकिन फोन जो किया वो फोन तो उठा नहीं। 10 बार कॉल हो गए, 20 बार कॉल हो गए। 20 बार कॉल करने के बाद वो ताला तोड़ा गया और हम घर के अंदर चले गए। फिर बिट्टू भैया को बोला गया कि आप जाओ और जाके देख के आओ कि पापा दुकान पे हो सकते, क्योंकि हमारी टायर की दुकान थी। अब वो है नहीं, लेकिन थी हमारी टायर की दुकान। ठीक है, तो उधर गए, देखा कि पापा की बाइक खड़ी है। तो पापा का है, टेंशन होने लगी कि पापा का तो कुछ अता पता नहीं लग रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, सबने, मम्मी ने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करी, पड़ोसियों ने, खुद के रिश्तेदारों ने किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवाई, हर जगह जाके पोस्टर लगवाए, लेकिन पापा का है, पापा का कुछ नहीं पता है, पापा लापता हो चुके हैं। अब पापा लापता
पता हो चुके हैं और बच्ची लाइक मैं अपने आप को बच्ची नहीं कहूंगी, मैं अपनी मम्मी को बच्ची कहूंगी, जो अब जाके 21 ईयर की हुई, लाइक जब 2006 में मेरी मम्मी 21 ईयर की हुई है और उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड लापता हो चुके हैं, क्या बीती होगी उनपे? कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मेरे नाना जी आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे नाना जी आए घर पे और आके बोलते कि एक काम कर, इनके बच्चों को छोड़ दे और हमारे साथ चल। मेरी मम्मी ने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरे बच्चे हैं, हमारे अपने, कहने को अपने, उन्होंने हमारे साथ जो बुरा हो सकता था वो बुरा किया। हमें उठा के एक फ्लैट में ले गए जहां ना लाइट था, ना जहां पानी था, ना जहां खाने को कुछ दिया उन्होंने हमें, और क्या बोला कि इस फ्लैट से बाहर नहीं निकलना है। अब भाई जिस बेचारी को ये नहीं पता, यार थर्ड क्लास तक स्कूल गई है वो, उसे ये नहीं पता कि बाहर कैसे जाना है, क्या करे? एक गांव की लड़की दिल्ली जैसे शहर में और ऐसे टॉर्चर में आ गई है जहां पे कमरे में लॉक कर दिया, एक फ्लैट था द्वारका में, वहां ले जाके बंद कर दिया, ना तो वहां लाइट है, ना वहां पानी है, ना खाने का। मेरे मामा जी कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ऊपर बुला लेते हैं। मेरे मामा जी भी 18th ईयर के थे, 18 साल की उम्र में उनको टीबी हो गई और टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई। उस टाइम पे मेरे मामा जी आए खाना पैक करा के खुद के लिए, मतलब मेरी नानी को बोला कि खाना पैक कर दो, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। तो नानी ने खाना पैक कर दिया, तो मेरे मामा जी खाना लेके हमारे पास पहुंचे। उनके पास भी पैसे नहीं थे, 1 लीटर दूध चोरी किया उन्होंने, 1 लीटर दूध चोरी करके उन्होंने हमें दिया। अब टेंशन हो गई कि यार अब करना क्या है, कैसे रहेंगे, ऐसे तो नहीं रह सकते ना कि हमें लाके एक फ्लैट में बंद कर दिया है। और पीछे के पीछे प्लानिंग हो रही है कि एक काम करते हैं, गुड़िया को तो हम, मतलब कि मेरा नाम गुड़िया है, तो गुड़िया को तो हम एक काम करते हैं कि जो इसकी बुआ है उनके पास भेज देंगे और जो बच्चे हैं उनको हम रख लेंगे, मतलब नाम नहीं लेना चाहती मैं किसी का भी। उन्होंने ऐसा किया। एक माँ क्या करे, चाहती तो अपने पापा के साथ चली जाती, लेकिन वो नहीं गई, उन्होंने ये डिसीजन सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, ठीक है इनके बच्चों के पापा नहीं है, लेकिन माँ तो है, माँ एक बाप का भी काम कर सकती है। तो उन्होंने जैसे तैसे वहां से उस फ्लैट से फोन किया मेरे दादाजी को। अब आप कहेंगे कि दादाजी तो मर गए थे, तो मेरे दादाजी के जो छोटे भाई थे उनके पास मेरी मम्मी ने किया फोन कि चाचा जी ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, अब क्या करें। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि बेटा तू अपने बच्चों को लेके मेरे घर आ जा। तो मम्मी जैसे तैसे हिम्मत करके, सब करके कि नहीं नहीं मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी, तो हिम्मत करके मेरी मम्मी हम लोगों को हमारे दादाजी के यहाँ पे ले आई। उन्होंने बोला कि मैं अपने पास तो नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत होगी, जो तुम लोगों के ऊपर जो कहते हैं ना बला आई है, तुम्हारे ऊपर जो बला आई है उसको मैं टाल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ कि कैसे जीना है और क्या स्टेप लेने हैं। भाई एक इंसान के लिए कि तुम्हें यह पता चल जाए कि इस रास्ते पे चढ़ना है, तो उतना पता चलना काफी होता है। ये सब हुआ और उसके बाद क्या होता है,